सालों में जाते हो, इतना बड़ा सा वो क्या बबल सा होता है उसमें तुम्हें स्टीम मिलती है, राइट? उसी का ये सस्ता वर्जन है, उसी का। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शिवांगी कुमार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेल्फ लव संडे। सो मैं ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी इस वीडियो का, बिकॉज सीधी सी बात है, मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, बालों की वाट लगी हुई है, बाल ड्राई हो रहे हैं, किसी के फ्रिजी हो रहे हैं, किसी का हेयर फॉल हो रहा है, किसी का डैंड्रफ हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बट ये सोल्यूशन जो मैं आज दिखाने वाली हूँ, इट्स गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ दैट प्रॉब्लम, सो स्टे टिल द एंड। ये जो मेरा एट होम हेयर स्पा होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ रियली सिंपल मेथड जिसमें ज्यादा ना पैसा लगने वाला है, ज्यादा ना टाइम लगने वाला है। आई मीन टाइम थोड़ा बहुत लगेगा, बिकॉज यू नो अच्छे बालों के लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है, बट इट्स गोइंग टू बी सुपर सिंपल। मैं पिछले दो सालों से सालों नहीं गई हूँ, बिकॉज आई डू एवरीथिंग एट होम, आई टेक केयर ऑफ माई हेयर एट होम, मैं सारी होम रेमेडीज यूज करती हूँ। एंड जब लॉकडाउन हुआ था तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई थी कि मैं सालों नहीं जा पा रही, मेरे बालों का ख्याल कौन रखेगा। सो मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए और फाइनली ये मेथड मैंने फिक्स किया है। एंड सिंस काफी जगहों पर लॉकडाउन अभी भी है, अभी भी लोगों को प्रॉब्लम है, सैलून्स नहीं खुल रहे हैं, जा नहीं सकते, मतलब मैं भी नहीं जा रही क्योंकि ऑब्वियसली आई एम टेकिंग द प्रिकॉशंस, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो इस टाइम पे बेस्ट है, राइट? ओके, अगेन मैं बोर नहीं करूंगी, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बिफोर यू डू एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑन योर हेयर, एनी टाइप ऑफ प्रोसेस और हेयर मास्क और हेयर कलर, द फर्स्ट थिंग टू डू इज डीटैंगल योर हेयर। अगर तुम अपने बालों को सुलझाओगे नहीं तो उसके ऊपर कुछ भी लगाओगे, कलर लगाओगे, मास्क लगाओगे, किसी भी टाइप का सीरम लगाओगे, इट हैज टू बी डीटैंगल्ड सो दैट हेयर फॉल कम हो, हेयर ब्रेकेज कम हो। और फालतू के बाल क्यों तोड़ने हैं, राइट? क्यों तोड़ने हैं? तो बेसिकली यू नीड अ वाइट टूथ कॉम, इसके अलावा कोई भी कॉम यूज मत करो, बिकॉज इट्स गोना क्रिएट टेंशन, इट्स गोना क्रिएट प्रेशर ऑन योर स्ट्रैंड्स, हेयर स्ट्रैंड्स। सो टेक योर टाइम डिटैंगलिंग योर हेयर, ओनली देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रीटी सिंपल, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है और ये दिस इज नथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू, बट हेयर ऑयलिंग इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर, ऑफ हेयर ग्रोथ, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, जो भी हेयर ऑयल तुम्हारे बालों को सूट करता है वो ले लो, बी इट आमंड ऑयल, बी इट कोकोनट ऑयल, बी इट ऑलिव ऑयल, एंड स्टार्ट मसाजिंग योर स्कैल्प। सबसे पहले यू नीड टू मसाज योर स्कैल्प, देन मूव टू द टिप्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कवर द लेंथ ऑफ योर हेयर, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट, वहीं पे सारा फ्रिज है, वहीं पे सारी ड्राइनेस है। सो मेक श्योर यू कवर योर हेयर कंप्लीटली विद ऑयल एंड मसाज इट, बिकॉज इट स्टिम्युलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, एंड ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो बालों की हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी तो बाल दिखने में भी अच्छे दिखेंगे, राइट? एंड वी आर, यू नो, हमारा यही तो टारगेट है कि बाल सुंदर दिखने चाहिए। सो कीप मसाजिंग योर स्कैल्प फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट्स बोलने के नहीं, घड़ी के 10 मिनट, आलस मत दिखाओ, 10 मिनट मतलब घड़ी के 10 मिनट अपने स्कैल्प को मसाज दो, इट्स गोइंग टू रीप यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ये पूरा प्रोसेस हो जाए उसके बाद हम लेंगे एक बाल्टी में गर्म पानी, उस गर्म पानी में डालेंगे बड़ी सी टाल, ठीक है? तो हम अपने बालों को देंगे स्टीम, वो टाल निकाल के, एज यू कैन सी भाप निकल रही है, यू हैव टू मेक श्योर कि इतनी टॉवल गर्म हो कि वो स्टीम दे, तुम्हारे बालों को भाप दे। तो अपने ऑयल लगे बालों को टॉवल में लपेटो उतनी देर तक जितनी देर तक तुम्हें वो हीट फील हो रही है, अगर वो ठंडा हो जाता है उसको फिर से पानी में डिप करो, फिर से अपने बालों को रैप करो, एंड डू दिस फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। तुम्हारे बालों को, तुम्हारे बालों के रूट्स को स्टीम मिलना बहुत जरूरी है। आई नो ये प्रोसेस थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है क्योंकि बार बार टॉवल को निकालो डिप करो रैप करो निकालो डिप करो रैप करो, बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट बिकॉज योर हेयर इज गोना लव इट। क्योंकि सालों में जाते हो, इतना बड़ा सा वो क्या बबल सा होता है उसमें तुम्हें स्टीम मिलती है, राइट? उसी का ये सस्ता वर्जन है, उसी का ये लाइक टिकाऊ वर्जन है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, गर्म पानी है, टॉवल है, रैप करो लगा लो, ठीक है? एंड उसके बाद कीप योर हेयर लाइक सो फॉर अ लिटिल वाइल एंड गो शैम्पू योर हेयर विद एनी शैम्पू दैट यू प्रेफर, जिस टाइप का तुम्हें लगता है। मेरे पास इस वक्त ट्रेसेमे का पड़ा हुआ है, मेरे को एक ब्रांड ने भेजा था तो मैं यही यूज कर रही हूँ। यार मेरे पास सामान आ जाता है, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास पड़ा है तो आई जस्ट यूज इट, अदरवाइज आई वुड रियली रिकमेंड ट्रेसेमे का बोटानिक रेंज, बहुत ही अमेजिंग है, मुझे मिल नहीं रहा था बट और ये मेरे पास रखा है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। सो जस्ट अपने बालों को शैम्पू करो, कम बैक एंड आई विल टेल यू। तो तुम्हारे बाल अब कम्प्लीटली क्लीन हो चुके हैं, अब उन्हें हमें देना है एक हल्का सा मैजिक टच। तो वो क्या है, हमारे बालों को एक बहुत ही सिल्की स्मूथ शाइन देगा, मैनेजेबल बनाएगा और फ्रिज फ्री रखेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हेयर मास्क। तो मैं जो हेयर मास्क मैं यूज कर रही हूँ वो है मैट्रिक्स बायोलेज का स्मूथ प्रूफ स्मूदिंग मास्क
फॉर फ्रिजी हेयर, बेसिकली ये उसी के लिए है। ये 490 रुपीज का तुम्हें नाइका पे मिल जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाके तुम खरीद सकते हो इसे। तो इस स्टेप के लिए अपने बालों को थोड़ा सा सुखा लो, सुखा लो एज इन की जो पानी टपक रहा हो उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लो, बहुत पानी टपके नहीं, बाल गीले रहे स्टिल। एंड थोड़ा सा हेयर मास्क अपने हाथ में ले लो, पाम में ले लो, उसको रफ करो कम्प्लीटली एंड स्कैल्प से लेके, नॉट एग्जैक्टली स्कैल्प बट थोड़ा सा स्कैल्प से थोड़ा दूर से लेके अपने बालों के टिप्स तक इसको पूरा कम्प्लीटली बालों में लगा लो, ताकि बालों के एक एक स्ट्रैंड में वो हेयर मास्क समा जाए। यू नीड टू डू दिस बट मेक श्योर कि वो स्कैल्प पे ना लगे, क्योंकि अभी तुमने अपना अपने स्कैल्प को शैम्पू किया है, उसके ऊपर तुम एक हैवी मास्क लगाओगे तो वो थोड़ा सा रेसिड्यू बन सकता है, थोड़ा बार स्कैल्प इची भी हो सकता है, तो अवॉइड डूइंग दैट। बट रेस्ट ऑफ द हेयर पे तुम अपने इस मास्क को कम्प्लीटली लगाओ अच्छे से, टेक योर टाइम। एंड जब एक बार ये मास्क तुम लगा लो उसके बाद कीप इट फॉर 30 मिनट्स, घड़ी के 30 मिनट तक तुम्हें इसे बालों में लगा के रखना है। ये कंडीशनर नहीं है कि लगाया 5 मिनट में नहा धो के धो लिया, वो नहीं करना है हमें। हेयर मास्क है, अच्छे से इसको टाइम दो। तुम्हें लगता है ज्यादा है 30 मिनट, तो तुम 15 मिनट्स के बाद भी इसको धो सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड मेक श्योर जब तुम अपने बालों को धो रहे हो, ऑब्वियसली जब हेयर मास्क लगाया तो शैम्पू करने की फिर से जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी से धोना है, ठंडे पानी से धोना है, गर्म पानी से मत धोना। और एक बार जब बाल धुल जाए तो मेक श्योर योर टॉवल ड्राई, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ ब्लो ड्राई, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ हीट ऑन योर हेयर, बिकॉज ऑब्वियसली हेयर स्पा का पहला रूल यही है कि हेयर स्पा के बाद तुम उसको हीट ना दो, क्योंकि तुमने इतना सारा ट्रीटमेंट किया, इतना सारा प्रोसेस किया है, हीट देके क्यों खराब करना, राइट। एंड अगर तुम्हारे पास कोई सीरम है तो यूज दैट। आई एम यूजिंग ट्रेसमेस केराटिन स्मूथ हेयर सीरम विच हैज कमीलिया ऑयल, इट इज अमेजिंग फॉर फ्रिजी हेयर, इट्स अमेजिंग फॉर हेयर विच आर लाइक नॉट मैनेजेबल, सो आई एम यूजिंग दिस राइट नाउ। 2-3 pumps ले लो कम्प्लीटली, हाथ पे ले लो, रब इट एंड धीरे धीरे अपने बालों के उंगलियां ऐसे डाल के उस पर कम्प्लीटली लगा लो। सो ये पूरे प्रोसेस को करने के बाद, बाल सूख जाने के बाद, दिस इज वॉट माई हेयर लुक्स लाइक। काफ़ी हल्के फील हो रहे हैं, हल्के इन द सेंस आई फील रियली लाइट कि मेरे बालों पर से कितना बोझ उतर गया, मेरा स्कैल्प इतना क्लीन हो चुका है, मेरे बाल इतने क्लीन हो चुके हैं। आई फील द वॉल्यूम इज बैक, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है, द शाइन इज ऑल्सो बैक। बट वही बात है ना, अभी अगर मैं इसको कल देखूंगी इन बालों को तो ये थोड़े और ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा मैनेजेबल दिखेंगे, क्योंकि जिस दिन धोते बाल उस दिन बढ़िया नहीं लगते हैं ना, दिस इज ट्रू राइट। मैं जिस दिन बाल धोती हूँ ना उस दिन मेरे बाल बढ़िया नहीं दिखेंगे, मैं सो जाऊंगी, मैं फिर सुबह उठूंगी तब मेरे बाल लगेंगे, वाह मैजिक राइट। सो आई होप ये पूरा मेथड तुम्हारे लिए भी यूजफुल हो, बिकॉज भाई मैं तो यही यूज़ करती हूँ एंड मम्मा को भी मैं यही यूज़ करवाती हूँ, अपने कितने सारे फ्रेंड्स एंड सबको भी मैं यही रिकमेंड करती हूँ, एवरी वन लव्स इट। सो आई होप कि तुम्हें भी पसंद आए और आई होप यू ऑल्सो लव इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट, एक्चुअली कॉमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी। आई ब्रिंग न्यू वीडियोज एवरी संडे एंड एवरी थर्सडे, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल ऑफ देम। एंड सेल्फ लव संडे की ऑलरेडी 3 episodes लाइव हो चुके हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर यू गो वॉच दैट, बिकॉज दे आर लाइक रियली हेल्पफुल। एंड इफ देर इज समथिंग यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू मेक इट फॉर यू। दिस इज शिवांगी कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, bye।